दिल्ली हो या भारत का कोई भी शहर, इस वक्त वायु प्रदूषण से ऑलमोस्ट सभी जूझ रहे हैं कि बाहर की हवा इस लायक नहीं रह गई है कि आप उस हवा में, खुली हवा में जाके आप सांस ले सकिए। बहुत सारे लोग अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ में खांसी, बुखार, कफ, स्किन रैशेस, उल्टियाँ, पेट में भी प्रॉब्लम होना लोगों को शुरू हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को देखने को मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण जो कि इस वक्त का एक बहुत ही गंभीर समस्या है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, घर में छोटे बड़े सबके लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन इस समस्या से कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रही है वो इतनी गंभीर हो रही है कि अगर आप उनसे प्रॉपर दवाइयाँ नहीं लें या फिर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लें तो वो ज़्यादा आपको दिक्कत कर सकती हैं। आप काम करना है तो घर से बाहर तो जाना ही होगा। बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी है, बट अब कोविड जैसे जैसा थोड़ा कम हो रहा है उस अकॉर्डिंगली लोगों के काम खुल रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल होनी शुरू हो रही है। अब लोग घर से बाहर जाएंगे, उसकी वजह से पॉल्यूशन से जूझना है। इनफैक्ट आप घर में भी अगर बैल्कनी वगैरह में निकल रहे हो, टहलने जा रहे हो, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, किसी तरह के एक्सरसाइज के लिए आप छत पे जा रहे हैं, खुले में कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आपको एयर पोल्यूशन से जूझना ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप घर में भी खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं तो भी जो बाहर की हवा घर में आ रही है वो भी एयर पोल्यूशन के साथ ही आएगी। मतलब आपको उससे भी नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा शरीर में। सो एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले तो कोशिश करें, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। अगर जाना है, ज़रूरी है, तो मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाने से आपके दो फायदे होंगे, एक तो कोविड से भी आप बचे रहेंगे कि किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, इसके साथ साथ में जो एयर पोल्यूशन है वो भी आप कम होगा, मतलब जो बाहर की इन्फेक्टेड हवा है इस वक्त की, उससे भी आपको निजात मिलेगी। जिन शहरों की एयर क्वालिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिल्ली जैसे जितने भी शहर हैं जहाँ की हवाएं कम्प्लीटली जहरीली हो चुकी हैं इस वक्त की, उन वातावरण में अगर आप सांस लेते हैं तो आपको किसी न किसी तरह की बीमारी हो जाएगी, फेफड़े आपके ख़राब हो सकते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी जगहों पर आप कोशिश करें कि मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाएँ, या फिर व्यायाम वगैरह जो करना है वो आप घर के अंदर करें। और अगर एक्सरसाइज वगैरह के लिए आपको जिम जाना है तो मास्क लगा के ही जाएँ। बाहर आउटडोर में एक्सरसाइज से अच्छा है कि आप कहीं इंडोर में एक्सरसाइज करें या जिम में करें। अपनी डेली रूटीन में किसी भी तरह की एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करें, खास करके जो आपकी श्वसन तंत्रिका को हेल्दी करने वाली एक्सरसाइजें होती हैं वो ज़रूर एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपका फेफड़ा मजबूत होगा या जो भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है वो निकलने में मदद होगा और आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। इसके साथ साथ में शहद का इस्तेमाल करें। खाने की जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि हमारी बॉडी अच्छी होती है, साफ़ होती है, उन चीज़ों का, डिटॉक्स चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। शहद इस्तेमाल करें, हर्बल टी का इस्तेमाल करें, बाहर खुले में कोई भी चीज़ खाना थोड़ा अवॉइड करें। इसके साथ साथ में आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, लहसुन या शहद के मुरब्बे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहरीली हवा सिर्फ आपके फेफड़े के लिए ही खतरनाक नहीं है, आपके पेट के लिए भी खतरनाक है। गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेट नहीं साफ होगा, पेट में ऐंठन, मरोड़, दर्द सी प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। इसके साथ साथ में उल्टी भी होगी, आपको खाना खाने का मन नहीं होगा, जी मिचलाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इसके साथ साथ में सर में दर्द बने रहना, मतलब कि सिर दर्द की प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू बनी रह सकती है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करें, ज़रूरी ना हो तो बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। ये वायु प्रदूषण आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपकी आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी गिरने लगता है, ऐसे में आंखों को ठंडे पानी से ज़रूर धोएं, और जब भी बाहर निकलें तो चश्मा ज़रूर लगाएं। इसके साथ साथ में अगर ये समस्या आपको गंभीर हो रही है तो तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं। साथ साथ में बहुत सारे लोगों को स्किन रैशेस की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मतलब जगह जगह पे चकत्ते पड़ जा रहे हैं, लाल लाल से हो जा रहे हैं। ऐसे अगर आपको कोई इश्यूज हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। ये वायु प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़े के लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी ख़राब कर रहा है। सो इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में रहें, और घर में भी कोशिश करें कि आप जो भी इंडोर प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ज़रूर लगाएं, जिससे कि घर के अंदर की जो हवा है वो भी स्वच्छ होती रहे, मेंटेन होती रहे, साफ़ रहे। इसके साथ साथ में पेड़ ज़रूर लगाएं अपने आसपास के एरिया में, जिससे कि ये वायु प्रदूषण जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। बहुत सारे इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट्स भी होते हैं जिनको आप लगा के अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं।
कंपेरेटिवली बाहर के कंपैरिजन में जो आपके घर की एयर होगी वो काफ़ी साफ होगी, स्वस्थ होगी, सो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, हो सकता है वो आपको किसी तरह की गंभीर परेशानी हो सकती है, इसलिए नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे मैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।